विमानों में खराबी और इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर DGCA सख्त है। वहीं इसको लेकर अब एक नई जानकारी सामने आई है। भारत में पिछले 2 साल में कुल 18 इमरजेंसी लैंडिंग हुई हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को लोकसभा में ये जानकारी दी। हाल ही में 2 जून को एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। ये फ्लाइट दिल्ली से जबलपुर जा रही थी। उड़ान के वक्त क्रू मेंबर को विमान में धुएं का पता चला, जिसके चलते विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ऐसी ही घटना 16 जुलाई को कालीकट से दुबई जा रही फ्लाइट में घटी थी। फ्लाइट में जलने की गंध आने के बाद इसे मस्कट डाइवर्ट किया गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 के बीच, यानी पिछले 1 साल में विमानों में तकनीकी खराबी से संबंधित कुल 478 मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक DGCA ने 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 के दौरान इंजीनियरिंग और रखरखाव पहलुओं पर कुल 177 निगरानी, 497 स्पॉट चेक और 169 नाइट चेक किए हैं। इस दौरान पाए गए उल्लंघनों के आधार पर 21 मामलों में एयरलाइन ऑपरेटर के जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।